महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के एकनाथ शिंदे की बगावत। 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात के सूरत में होटल में पहुंचे। पार्टी से नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव की पहली तस्वीर सामने आई। शिवसेना की मीटिंग में हुई नारेबाजी। बगावत के खिलाफ जोश में दिखे शिवसेना कार्यकर्ता। उद्धव ने कार्यकर्ताओं को समझाया। बगावत के बाद पहली प्रतिक्रिया में बोले एकनाथ शिंदे, कहा, हम बाला साहिब के पक्के शिवसैनिक, उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया, सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया। सूरत में बागी एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर और फाटक। उद्धव ठाकरे ने दोनों को मनाने के लिए भेजा था। एक घंटे तक बातचीत भी हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े हैं। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब भी नाराज हैं। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मांग है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए। बगावत के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी है शिवसेना। एकनाथ को मनाने की कोशिश जारी। बागी विधायकों से भी बातचीत कर रही है शिवसेना। शिवसेना के संजय राउत बोले, हमारे कई विधायक गुजरात से लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा, एकनाथ शिंदे शायद बीजेपी के दबाव में झुक गए। राउत का आरोप, सूरत में शिवसेना के दो विधायकों से मारपीट हुई, नितिन देशमुख को तो हार्ट अटैक आ गया। दो लोगों को रात को मारपीट हो गई है, उनका नाम बता। एक उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई, वहां से भाग रहा था मुंबई में आने के लिए, तो उनको इतनी मारपीट की है गुजरात के पुलिस और वहाँ के ऑपरेशन कमल वालों के गुंडों ने। अब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, पार्टी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक पल भी पद पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दें उद्धव। मुंबई में उठे सियासी तूफान के बीच दिल्ली में हलचल तेज। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात पर सियासी कयास जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आए हैं। शिवसेना में मचे घमासान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। हालांकि पवार ने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है, सरकार का नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब पुलिस की भी एंट्री हुई। सूरत में मौजूद शिवसेना विधायक की पत्नी ने कहा, मेरे पति लापता हैं, उनकी जान को खतरा है, मुंबई पुलिस सूरत जा सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में संकट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा खुश हुई। कहा, ये उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन है। उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद में ही जेल गई थी नवनीत राणा। राहुल गांधी से आज फिर हुई प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड में धांधली के केस में पहले भी 4 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। आरोप है कि लोन देने के बहाने गलत तरीके से कंपनी का अधिग्रहण कर घोटाला किया गया। राहुल और सोनिया की जांच के खिलाफ कांग्रेस ने आज फिर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तकरार। मार्च रोकने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की पुलिस से नोकझोंक हो गई, सड़क पर बैठ गई। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। मीडिया देख रहा है, मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने।
यूपी में रामपुर लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। सीएम योगी ने भी आज पार्टी के लिए वोट मांगे। गुरुवार को रामपुर में होगी वोटिंग। और दो महीने के अंदर वो देश का माफिया बन गया हो, उसके ऊपर डकैती के अनगिनत मुकदमा हो, उसकी मरी हुई मां पर भी मुकदमा हो, बहन भाई बच्चे दोस्त सहबाज साथी यहां तक आज भी मुलाकात हो रामपुर की जेलों में लोग मर रहे हैं और उनकी जमानतें नहीं हो सकी हैं। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारे लोग लखनऊ में बन रहे कुत्तों के पार्क के बहाने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कुत्तों के पार्क के लिए बजट कहां से आया। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद ऐलान हुआ। पहले पवार को बनाने की कोशिश थी लेकिन उन्होंने मना किया था। यशवंत सिन्हा ममता की पार्टी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग। बीजेपी के मनोज तिवारी ने अस्पताल बनाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सिसोदिया के खिलाफ जांच की मांग की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले, बीजेपी और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली में काम रुकवाना चाहते हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। AK-47 गन रखने के केस में दोषी है अनंत सिंह। साल 2019 में पुलिस ने अनंत के घर से हथियार पकड़े थे। सजा होने के बाद अनंत सिंह की विधायकी अब छिन सकती है। केरल के सोना तस्करी केस की मुख्य आरोपी सपना सुरेश ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। मोदी से इस केस में सीबीआई जांच कराने की मांग की। सोना तस्करी केस में सपना ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तब से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने सुबह कर्नाटक में 15,000 लोगों के साथ योग किया। मैसूर पैलेस ग्राउंड में हुआ आयोजन। पीएम मोदी बोले, योग ने दुनिया को रोग से मुक्त किया है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही है। आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने तो ऐसे फैसले डर से टाल दिए थे। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, योजना में अब कोई बदलाव नहीं होगा। शाम को तीनों सेना प्रमुख मोदी से मिले। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया। 4 साल के बाद आपका इतना आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, संसार में हमारे देश में आपका गौरव बढ़ेगा। फौजी को कितना गौरव मिलता है आप नहीं जानते हो क्या। सेना भर्ती योजना अग्निपथ पर हरियाणा में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर विवाद। बीजेपी सांसद रामचंद्र ने कहा, युवाओं को बलात्कार और नशे की लत से बचाने के लिए अग्निपथ जैसी योजनाओं की बहुत जरूरत है। मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदि हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर एक मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। अग्निपथ पर बिहार के नेता राम सूरत राय ने कहा, आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ है।
आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उस चीज को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा में बिहार पुलिस ने पटना में आरोपी गुरु रहमान के ठिकानों पर छापे मारे। गुरु रहमान कोचिंग सेंटर चलाता है, उस पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। गुरु रहमान ने कहा, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 934 पॉइंट उछलकर 52,532 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 15,635 के पार। मध्य प्रदेश में पीएससी परीक्षा में कश्मीर पर पूछे गए सवाल पर बवाल हुआ। विवाद के बाद शिवराज सरकार ने कार्रवाई की। पेपर में पूछा गया था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन का खेल कर रही कंपनी का पर्दाफाश। आरोप है कि एक प्राइवेट कंपनी लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाती थी, मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग तक दी जाती थी। शिकायत के बाद कंपनी पर केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 सदस्यों के शव मिलने के केस में पुलिस का खुलासा। लोन देने वाले माफिया कर रहे थे परेशान, पुलिस ने केस दर्ज किया। 25 आरोपी हैं, 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के पास नोएडा में गाड़ी चोरों का गैंग पकड़ा गया। सेक्टर 39 में पुलिस ने कार्रवाई की। चोरों के पास कई गाड़ियां भी बरामद। चोरी कर ये गैंग गाड़ियों को बदलकर बाजार में बेच देता था। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू। सुपौल में नदी से जमीन कटाव हो रहा है। करीब एक दर्जन गांवों पर यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य असम पर मौसम की मार जारी। बाढ़ और बारिश से हुए हादसों में 70 से ज्यादा मौत हुई हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से चर्चा कर हालात जाने। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद बुरा हाल। सिलीगुड़ी में लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया पानी। सिलीगुड़ी में कल 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। स्कूल कॉलेज समेत पूरे उत्साह के साथ देश के मदरसों में भी मनाया गया योग। बच्चों ने योग किया। 5 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज देश में नए कोरोना केस कम रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 9,875 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 17 लोगों की जान भी गई। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। गुजरात में 105 साल की बुजुर्ग ने 100 मीटर की रेस जीती। इस चैंपियनशिप में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन 105 साल की रमाबाई के अलावा कोई नहीं पहुंचा। और फिर रमाबाई ने दौड़ लगाकर चैंपियनशिप अपने नाम की। 105।